डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी थर्ड पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अध्ययन करते हैं, जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा है और जो 1608 में पैदा हुए थे और जिनकी मृत्यु 1674 में हुई थी। जॉन मिल्टन लंदन में 9 दिसंबर 1608 को पैदा हुए थे। उन्हें सेंट पॉल स्कूल और क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में शिक्षा दी गई थी। उन्होंने अपनी बीए की डिग्री 1629 में प्राप्त की थी और एमए 1632 में किया था। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। माना जाता है कि वो अंग्रेजी के महान विद्वान थे और वही सबसे महान कवि हुए। अंग्रेजी के इकलौते महाकाव्य लिखने वाले कवि जॉन मिल्टन हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसके अंधेपन पर, यह मिल्टन की एक कविता है जिन्हें मिल्टन ने अपने अंधे होने पर लिखा था। ये कविता एक सॉनेट है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेंड, सैमसन एगोनिस्ट उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। वास्तव में महान लिटरेरी आर्टिस्ट और स्कॉलर रहे हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस कविता एक सॉनेट है और यह कविता इटालियन सॉनेट या पिटर्चन सॉनेट के आधार पर लिखी गई है, क्योंकि इस कविता में आप देखें एक ऑक्टेव है और एक सेस्टेट है। इसकी राइम स्कीम देखें, पहले लाइन के अंत में देखिए स्पेंट दिया हुआ है, इसको अगर हम ए मान लें, दूसरे में दिया हुआ है वाइड तो ये बी हो गया। अब इससे मिलती हुई राइम क्या है इसकी, तीसरी पंक्ति की है तो ये बी हो गई। अब देखिए बेंट ये मिल रहा है पहली पंक्ति से तो ये फिर ए हो गया, ए बी बी ए। अब देखिए प्रेजेंट है ये मिल रहा है स्पेंट से तो ये फिर ए हो गया। चाइल्ड वाइड से मिल रहा है तो ये बी हो गया। डिनाइड ये भी हाइड से मिल रहा है तो फिर बी हो गया और प्रिवेंट मिल रहा है स्पेंट से इसलिए ए हो गया। तो ये ऑक्टेव है, इसे ऑक्टेव कहते हैं। ऑक्टेव मतलब अट्ठा, आठ पंक्तियां जिनकी राइम स्कीम एक जैसी है। तो इटालियन सॉनेट में 14 पंक्तियां ही होती थीं लेकिन उनकी राइम स्कीम ए बी बी ए, ए बी बी ए, सी डी सी डी जो दी हुई इसमें है। तो आपने देखा है ऑक्टेव में मैंने दिखाया, और सेस्टेट में देखें सेस्टेट में 6 पंक्तियां हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसे सेस्टेट कहते हैं। अब देखिए नीड पहले किसी राइम से नहीं मिलता है तो ये हो गया सी, बेस्ट ये भी नहीं मिलता तो ये हो गया डी, स्टेट नहीं मिलता है तो ये हो गया ई। अब देखें नीड से स्पीड मिल रहा है तो ये फिर सी हो गया, बेस्ट से रेस्ट मिल रहा है तो यहाँ डी हो गया, और स्टेट से वेट मिल रहा है इसलिए ई हो गया। ये सेस्टेट है। अब होता यह था इटालियन सॉनेट में ऑक्टेव में किसी प्रश्न को उठाया जाता था और सेस्टेट में उसका समाधान किया जाता था। इंग्लिश सॉनेट या शेक्सपियरियन सॉनेट है उसमें यही अंतर है। शेक्सपियरियन सॉनेट में क्वार्टरेन में लिखा जाता था, तो तीन क्वार्टरेन होते हैं और एक कपलेट होता था, तो क्वार्टरेन चार पंक्तियों की रचना, तो तीन क्वार्टरेन होते थे, चार तीन 12 पंक्तियाँ होती थी और एक दोहा कपलेट मतलब दोहा, तो 14 पंक्तियाँ उसमें भी होती थी, 14 इसमें भी हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। इसमें एक ऑक्टेव दिया गया है और एक सेस्टेट दिया गया है। वहाँ किसी प्रश्न को उठाया जाता था, किसी क्वेश्चन को इरेज किया जाता था, किसी समस्या को इरेज किया जाता था,
वो तीन क्वार्टरें तक लगातार ले आते थे, 12 पंक्तियों तक उसका विस्तार करते थे और एक जो कपलेट होता था कपलेट में उसका समाधान देते थे। यहाँ ऑक्टेव में मिल्टन ने क्या किया है, पिटरसन सॉनेट के आधार पर किया, इन्होंने ऑक्टेव में समस्या को उठाया है कि मैं क्यों अंधा हो गया, क्या अंधे होने के बाद भी ईश्वर मुझसे चाहता है कि मैं उसी प्रकार से कार्य करूं, और सेस्टेट में उसका समाधान दिया है। आइए रीड करते हैं पोएम। मिल्टन कहता है, व्हेन आई कंसीडर, कंसीडर मीन्स टू थिंक, सोचना, विचार करना, हाउ माई लाइट टू, लाइट का अर्थ यहां पर प्रकाश नहीं है बल्कि विजन है, दृष्टि है, हाउ माई लाइट इज स्पेंट टू, खर्च हो गई है, समाप्त हो गई है। जब मैं सोचता हूं, जब मैं विचार करता हूं, मिल्टन कहता है, जब वह विचार करता है कि कैसे उसके नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई है, और कब समाप्त हो गई, देखें, इर, इर पोएट्री में जब इर का प्रयोग किया जाए तो आप मान लीजिए बिफोर लिखा हुआ है, पहले, और कब, हाफ माई डेज, मेरे आधे दिनों से पहले। तो एक व्यक्ति की सामान्यता उम्र मानी जाती है 100 वर्ष, 100 का आप आधा कर दें 50 वर्ष हुआ। मिल्टन 44 वर्ष की उम्र में ही अंधा हो गया था, उसके नेत्रों की ज्योत समाप्त हो गई थी। तो वही कहता है कि जब मैं विचार करता हूं कि कैसे मेरे नेत्रों की ज्योत समाप्त हो गई है, और वो भी मेरी आधी आयु से पहले ही, कहता है, इन दिस डार्क संसार मेरे लिए कैसा हो गया है, डार्क वर्ल्ड, अंधकार से युक्त संसार हो गया, एंड वाइड का मतलब इससे शाब्दिक अर्थ होता है चौड़ा, लेकिन यहां पर बिग, बड़ा हो गया। मिल्टन कहता है संसार उसके लिए अंधकार से युक्त हो गया है और बड़ा हो गया। तो बड़ा कैसे हो गया भाई, एक अंधे व्यक्ति के लिए संसार बड़ा कैसे हो गया, वो पहले जितना था वैसे तो रहेगा, नहीं, मिल्टन सही कह रहा है, संसार उसके लिए बड़ा हो गया है, बिग हो गया है। क्यों बिग हो गया, जिस काम को आप 10 मिनट में करते हो, 15 मिनट में करते हो, वही काम अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो कितने घंटे में कर पाओगे, या कितने कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आपको अपने घर से विद्यालय तक आने में 15 मिनट का समय लगता है, और यदि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए तो आप कितने समय पहुंचोगे। तो वही संसार है, वही सेम है, लेकिन अब बड़ा हो गया। दूसरी चीज और भी है, मिल्टन दूसरी तरफ इशारा कर रहा है कि बिग बड़ा हो गया है, पहले वो नेत्रों से देखता था और उसको मान लेता था, वही वस्तु मान लेता था, लेकिन अब अंधा व्यक्ति देख तो सकता नहीं, तो वो पहले क्या करता है, इमेजिन करता है, कल्पना करता है कि हाँ ये वस्तु ऐसी होगी, तो संसार बड़ा हो गया उसके। अब कल्पना करता है, सोचता है, विचार करता है, उसके बाद में एहसास करता है कि हाँ ये वस्तु वही है। तो संसार उसके लिए अंधकार से युक्त हो गया है और बड़ा हो गया। एंड दैट वन टैलेंट टू टैलेंट मीन्स प्रतिभा, योग्यता, क्षमता, ये सब हम आज जानते हैं कि टैलेंट मीन्स प्रतिभा, क्षमता, योग्यता होती है। मिल्टन मानता था, बचपन से ही मानता था कि उसके अंदर महाकवि बनने के गुण हैं। तो कहता है मेरे अंदर एक क्षमता है, एक योग्यता है, एक प्रतिभा है, एक टैलेंट है। यहां टैलेंट शब्द को मिल्टन ने बाइबल से लिया, जिसमें एक कहानी बताई गई है। एक मालिक को यात्रा पर जाता है, उसके 3 सर्वेंट होते हैं, 3 नौकर होते हैं, तीनों नौकरों को वह एक एक टैलेंट देके आता है। वो टैलेंट सोने का सिक्का उस समय का था, तो उसके लिए आया हुआ है कि एक टैलेंट वो देके आता है,
तो पहला जो नौकर है उसे व्यापार में लगा देता है और वह डबल कर लेता है, उस सोने के सिक्के को दो सिक्के बना लेता है, और दूसरा वाला वो भी व्यापार में लगाता है और उसे चार गुना कर लेता है, लेकिन तीसरा जो नौकर है उसे एक टैलेंट जो मिला हुआ था वह इस डर से कहीं व्यापार में लगाएं और घाटा हो गया तो कहीं ये भी नहीं चली जाए, और मेरा मालिक जब वापस लौटेगा मुझसे मांगेगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा तो वो मुझे डांटेगा, इस डर से उसने क्या किया, जमीन में गाड़ दिया उसको। तो ये बाइबल की स्टोरी है। मालिक जब अपनी यात्रा से वापस लौटता है तो तीनों नौकरों से पूछता है क्या किया उन्होंने उस टैलेंट का। पहले वाला बताता है कि उसने व्यापार में लगाया, उसे डबल कर लिया। फिर दूसरे वाले से पूछा जाता है, उसने कहता है सर मैंने इसे चार गुना कर दिया। तीसरे नौकर की जब बारी आती है पूछा जाता है कि आपने इस टैलेंट का क्या किया, तो वो कहता है कि सर कहीं ये टैलेंट खो न जाए, मुझे घाटा न हो जाए व्यापार में, इसलिए मैंने इसे ज़मीन में गाड़ दिया। तो उसे डांटता है, फटकारता है, कहता है कि जो तुम्हें प्रयोग करना चाहिए था वैसा तुमने इसका प्रयोग नहीं किया। अब मिल्टन के बारे में, मिल्टन ने ये लिखा टैलेंट, देखिए इसके बारे में आगे क्या होता है कि जब कहता है विच इज डेथ टू हाइड, विच जिसे इज डेथ मृत्यु के समान है, टू हाइड छिपा कर रखना, एक प्रतिभा जो मेरे अंदर है। मिल्टन कहता है कि उसके अंदर एक प्रतिभा है, एक क्षमता है, एक महाकवि बनने की योग्यता है, जिसको छिपाए रखना मौत के समान है। फिर कहता है वो लास्ट, लास्ट का मतलब है पुटिन, रखी हुई है मेरे अंदर वो प्रतिभा, पड़ी हुई है मेरे अंदर, विद मी मेरे अंदर, कैसी यूजलेस, बेकार पड़ी हुई, व्यर्थ पड़ी हुई, जो क्षमता ईश्वर ने मुझे दी थी, जो प्रतिभा ईश्वर ने मुझे दी थी महाकवि बनने की, अब वह योग्यता मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई, व्यर्थ पड़ी हुई है। फिर कहता है दो यद्यपि माय सोल, मेरी आत्मा मोर बेंट, अब और अधिक इच्छुक है, यद्यपि मेरी आत्मा और अधिक इच्छुक है कि मैं कविता करूं, मैं कविता लिखूं, मैं उस अपनी क्षमता के साथ क्या करूं, टू सर्व, सेवा करूं, देयरविद, देयरविद का अर्थ है विद दैट टैलेंट, उस क्षमता से, यानी काव्य लिखने की क्षमता से मैं सेवा करना चाहता हूं, किसकी, माई मेकर, मेकर में देखें यम कैपिटल से लिखा हुआ है, गॉड के लिए प्रयोग किया गया है, अपने रचयिता की, मैं कविताएं लिखकर अपने रचयिता की, अपने रचनाकार की, अपने गॉड की सेवा करना चाहता हूं। क्यों, आगे और बताता है, एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट, प्रेजेंट प्रस्तुत किया जाए। क्रिश्चियन मैथोलॉजी में ये माना जाता है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उसकी आत्मा को गॉड के सामने पेश किया जाता है और उसके कर्मों का लेखा जोखा उसमें गॉड के सामने रखा जाता है। तो यहां मिल्टन कह रहा है कि प्रेजेंट जब प्रस्तुत किया जाएगा, माय ट्रू अकाउंट, मेरे जीवन का, वास्तविक जीवन का लेखा जोखा, मेरा जो ट्रू अकाउंट है वह ईश्वर के समक्ष रखा जाएगा। तो लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग वापस लौटाते हुए क्या करे, चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स डांटना फटकारना, स्कोल्ड, ऐसा ना हो कि जब मेरे जीवन का वास्तविक लेखा जोखा ईश्वर के समक्ष रखा जाए तो उसे वापस करते हुए डांटे फटकारे। कैसे, अब याद करें आप उस स्टोरी को, मास्टर वाली स्टोरी को, जैसे उसके मालिक ने, नौकर के मालिक ने उसे डांटा फटकारा था, ठीक उसी तरह से ईश्वर कहीं उस मेरे वास्तविक लेखे जोखे को वापस लौटाते हुए डांटे फटकारे। फिर वो प्रश्न करता है, डथ गॉड, पुरानी अंग्रेजी है, डथ का मतलब यहां पर डज है, गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मीन्स होप, आशा करना, क्या ईश्वर आशा करता है डे लेबर, डे लेबर मीन्स द चोर्स ऑफ डेली लाइफ, छोटे मोटे प्रतिदिन के कार्य, क्या ईश्वर आशा करता है कि मैं
जो प्रतिदिन के कार्य हैं, छोटे मोटे कार्य हैं, वो करता रहूं। लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड, जब उसने लाइट का तो वही विजन, नेत्रों की ज्योति, जब उसने नेत्रों की ज्योत देने से इनकार कर दिया है, क्या अभी वो मुझसे आशा करता है कि मैं प्रतिदिन के कार्यों को वैसे ही करता रहूं? आई फॉन्डली आस्क, आई फॉन्डली, फॉन्डली मीन्स फुलिस्टली, मूर्खता से आस्क पूछता हूं। फिर कहता है बट पेशेंस टू प्रिवेंट, टू बट पेशेंस, लेकिन धैर्य क्या करता है, टू प्रिवेंट, हमें रोकता है। अब देखिए इस पंक्ति में पर्सनिफिकेशन है, धैर्य रोकता है, तो धैर्य के हाथ पैर तो नहीं होते जो आपको पकड़ लेगा, रोक लेगा, तो पेशेंस को यहाँ पर पर्सनिफाइड कर दिया गया है, मानवीकृत कर दिया गया है कि धैर्य रोकता है। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, दैट मर्मर, वह भनभनाहट सून शीघ्र ही रिप्लाइज, उत्तर देती है। अब भनभनाहट किसी को उत्तर देती है, यहाँ मर्मर को भी पर्सनिफाइड किया गया है, यहाँ पर पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, तो वह भनभनाहट उत्तर देती है, ये भनभनाहट और कोई नहीं है, मिल्टन की अंतरात्मा की आवाज़ है। अब देखिए आक्टेव में मिल्टन ने प्रश्न उठाया था, यहाँ पर उसकी अंतरात्मा ही उत्तर दे रही है, उसका समस्या का समाधान कर रही है, उस प्रश्न को सॉल्व कर रही है। क्या कहती है, गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, आइदर मैंस वर्क, न तो मनुष्य के कार्य की, आर हिज ओन गिफ्ट्स, और न ही जो उसने उपहार में हमें दे रखा है, जो उसने गिफ्ट हमें दिया हुआ है, वो कुछ नहीं मांगता उसके बदले में। ईश्वर को मनुष्य के किसी कार्य की आवश्यकता नहीं है, और जो उपहार स्वरूप उसने मुझे हमें दे रखा है, उसके बदले में भी कुछ वह नहीं मांगता। उपहार उसने बहुत से दिए हैं आपको, नदियां बनाई, झरने बनाए, पहाड़ बनाए, फूल बनाए, रंग बिरंगे फूल बनाए, तितलियां बनाई, बस आपके सबके लिए बनाया ना, तो जो गिफ्ट उसने दे रखा है उसके बदले में कुछ नहीं मांगता कभी। फिर मिल्टन कहता है हु बेस्ट बियर हिज माइल्डियो, हु बेस्ट बियर, बेस्ट बियर, जो भली बात बियर में सहन करना सहन करते हैं, हिज माइल्ड योग, हिज देखिए कैपिटल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ईश्वर के द्वारा दिया गया कष्ट, हिज माइल्ड योग, ईश्वर प्रदत्त कष्ट, ईश्वर के द्वारा दिया गया कष्टों को जो भली बात सहन करते हैं, मिल्टन कहता है दे सर्व हिम बेस्ट, दे सर्व हिम वे सेवा करते हैं, हिम उसकी, ईश्वर की सेवा करते हैं, बेस्ट सबसे अच्छी सेवा करते हैं, वे सबसे अच्छी सेवा करते हैं जो ईश्वर प्रदत्त कष्टों को भली भांति सहन कर लेते हैं। तो यहां तक इंपॉर्टेंट था, और इसके आगे फिर यहां से इंपॉर्टेंट है लास्ट तक, आगे कहता है हिज स्टेट इज किंगली, हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजाओं की जैसी है, ईश्वर की स्थिति कैसी है, राजाओं की जैसी है। राजा तो एक छोटे से पृथ्वी के छोटे से भूभाग का राजा होता है, ईश्वर तो पूरे ब्रह्मांड का राजा है। कहते थाउजेंड्स हजारों लाखों एट हिज बिडिंग, उसकी आज्ञा पाते ही स्पीड भाग पड़ते हैं, हजारों देवदूत उसकी आज्ञा पाते ही ईश्वर के कार्य को करने के लिए भाग पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं, और क्या करते हैं, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, एंड पोस्ट ओवर और पार कर जाते हैं लैंड एंड ओशन, लैंड मीन्स धरती, ओशन सागर, तो चाहे उनके पैरों के नीचे धरती हो चाहे सागर हो, था सब कहीं चले जाते हैं, सब कहीं जाते हैं वो, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए। ईश्वर की एक आज्ञा पाते ही हजारों देवदूत दौड़ पड़ते हैं उस कार्य को करने के लिए, और धरती हो चाहे सागर हो, सब कहीं वो बिना आराम किए हुए, बिना रुके हुए उस कार्य को पूरा करने के लिए जाते हैं। तो क्या जो जाते हैं वही सेवा करते हैं? मिल्टन कहता नहीं, दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं ईश्वर की, हू वल्ली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं, जो खड़े रहते हैं वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं, एंड वेट टू, और प्रतीक्षा करते हैं, किस बात की प्रतीक्षा करते हैं, वेट द फर्दर्स ऑर्डर ऑफ गॉड,
ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करते हैं वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। ऐसा नहीं जो भाग पड़ता है वही सेवा करता है। तो ये सानेट है मिल्टन की और हमने बताया आपको, तो इसमें पैसे जो इम्पॉर्टेंट हैं तो ये लास्ट वाला पैसेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिस्टेट से लेकर के, और इससे पहले आप देखें बेस्ट तक है, ऊपर से अगर आप देखेंगे बट पैसेंस टू प्रिवेंट से लेकर के ये दिया हुआ है हिम बेस्ट तक, ये दो पैसेज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको एक्सप्लेन करना है आपको। दैट्स ऑल।